सीखना चाहिए ना, सारे घर काम करेंगे तो गंदों को तो नहीं सब सिलाई में सीखना चाहिए ना, सब बंद को करना सारी आप ऐसा सिलाई का काम जान जैसे, इसलिए हमें सिलाई मशीन चाहिए और हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, इसलिए हम घर बैठ कर बाई दर रोजी कमाना चाहते हैं, हमें सिलाई मशीन दे। हमें भी सिलाई मशीन चाहिए, हमारे पास हमें सिलाई करने का ठीक कहा था लेकिन हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है। हम गंदम काटते हैं, जो फसल होती है काटते हैं, हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, ठीक कहा था सिलाई करने का, हम सिलाई मशीन चाहिए। हमें भी सिलाई मशीन चाहिए, हम मजदूरी करते हैं, मेरे अब्बू भी मजदूरी करते हैं और हाँ हमें चाहिए सिलाई मशीन, हमें तरीका आता है कपड़े बनाने का लेकिन सिलाई मशीन नहीं है, इसलिए नहीं बनाते, इसलिए आप हमारी मदद करें और हमें सिलाई मशीन। इस वक्त आप किस चीज़ का काम करें? हम घर ऐसे गंदम काटते हैं। गंदम अपनी है या किसी दूसरे की है? दूसरे काटते हैं, अपनी नहीं है। मजदूरी मजदूरी पर करते हैं आप, वहाँ पर गंदम की कटाई? जी। आपकी अपनी कोई ज़मीन है आपके, मतलब आपके वालिद साहब की? नहीं, बस बैठने के, इतनी नहीं है। मकान आपके कच्चे हैं या पक्के? कच्चे हैं। हमें सिलाई मशीन चाहिए, हम घर का काम करते हैं, हम गंदम काटते हैं, गन्ना वगैरह खोलते हैं, हमारे पास मशीन नहीं है, हमें तरीका आता है गंदम सिलाई मशीन नहीं है हमारे पास, हम कैसे काम करें, हम मजदूरी करते हैं, हमें सिलाई मशीन दे दें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सिलाई मशीन खरीद सकें, इसलिए हमें सिलाई मशीन चाहिए, हमें सिलाई मशीन चाहिए, हमें तरीका आता है सब काम करने का लेकिन हम मजदूर लोग हैं, हमारे पास अपनी नहीं है कि हम खुद का काम करें, मदद चाहिए आप। ये हमारी कुछ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें सिलाई मशीन की ज़रूरत है और इनके पास सिलाई मशीन नहीं है, ये सिलाई करना जानती हैं, हुनरमंद हैं लेकिन इनके पास सिलाई मशीन ना होने की वजह से ये फसलों में जाकर काम करती हैं और गंदम की कटाई वगैरह जैसे जैसे सीज़न होता है, चावल का सीज़न हो गया, कमाद का सीज़न हो गया या गंदम की कटाई वगैरह हो गई तो ये सीज़न के मुताबिक दूसरों की फसलों में जाकर काम करती हैं। और जाहिर सी बात है बाहर जाकर काम करना औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये अगर इनके पास सिलाई मशीन आ जाती है तो तकरीबन 14 से 15 फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है, तो 14-15 फैमिलीज़ घर में बैठकर बाइज़्ज़त और बावकार तरीके के साथ कारोबार कर सकती हैं, रोज़ी कर सकती हैं और अपने घर को चला सकती हैं। आइए हमारा साथ दें जो हम इन अपनी बहनों तक, अपनी माओं तक सिलाई मशीन पहुँचा सकें ताकि ये घर में बैठ कर बाइज़्ज़त और बावकार तरीके के साथ रोज़गार कर सकें और अपनी फैमिली को चला सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल से खैरियत हूँ। आज हम इस फैमिली के पास आए हैं जहाँ पर तकरीबन 14 से 15 फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें सिलाई मशीन की अशद ज़रूरत है। हमने इनकी फिर फाइनेंशियली कंडीशन देखी है कि ये फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, इनके घर भी कच्चे हैं और ये कच्चे घरों में रहती हैं, इनकी अपनी कोई ज़मीन वगैरह नहीं है, तो आइए इस तरह के नेक मकसद में हमारा साथ दें ताकि हम इन फैमिलीज तक जो यहाँ पर हमारे पास बहनें हमारी मौजूद हैं इन तक सिलाई मशीन पहुँचा सकें। ये हमारी बहनें हुनरमंद हैं, ये दूसरों के घरों में जाकर काम वगैरह करती हैं, घरों में भी जाकर काम करती हैं, खेतों में भी जाकर काम करती हैं, फसलों की कटाई वगैरह करती हैं, गंदम की कटाई होगी, कपास की कटाई, चावल की कटाई और गंदम की कटाई में ये काम करती हैं वहाँ पर, हालांकि इनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीनों में, दूसरों के खेतों में जाकर काम करती हैं, उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत जो मिलता है तो वो बड़ी मुश्किल से इनका गुजर बसर हो रहा होता है। ये हमारी बहनें एक साथ यहाँ पर इसलिए इकट्ठी हुई हैं ताकि हम इन्हें सिलाई मशीन पहुँचा सकें, इनका पैगाम हम आप लोगों तक पहुँचा सकें। हमारा फ़र्ज है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई तकलीफ में हैं हम उनकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करें हमसे जितना हो सके, बाकी अल्लाह पाक करम फरमाने वाले हैं। ये हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें सिलाई मशीन की अशद ज़रूरत है, खेतों में जाकर काम करती हैं लेकिन वहाँ से इतना ज़्यादा गुजर बसर नहीं हो पाता कि अपने वहाँ से इतना ज़्यादा सिला नहीं बन पाता, वहाँ से इतना ज़्यादा इन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाती कि ये अपने घर को चला सकें। ये हालांकि हमारी बहनें हुनरमंद हैं, सिलाई करना जानती हैं, आइए हमारे इस नेक मकसद में साथ दें ताकि हम इन बहनों तक, इन माओं तक सिलाई मशीनों की जो ज़रूरत है उनकी पूरी कर सकें और ये घर में बैठ कर बाइज़्ज़त और बावकार तरीके के साथ घर में बैठ कर कारोबार कर सकें, अपना और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। कम से कम ये
घर में बैठकर सिलाई करेंगी तो कम से कम घर का राशन तो ले सकती हैं इसके साथ, कम से कम अपने जो फाइनेंशियली कंडीशन है इसे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। इनमें से अक्सर हमारी बहनें जो है ना वो यतीम हैं। आइए हमारा साथ, जज़ाकल्लाहु खैरा।